बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम अल्ताफ अजीम विद बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 फंजाई। आवर टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन फंजाई, हाउ फंजाई रिप्रोड्यूस, फंजाई रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। सो फार एज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई इज कंसर्न, देन फंजाई रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। First of all, we come towards that how the asexual reproduction in fungi takes place. There are different methods of asexual reproduction in fungi, out of which these are first is by spore formation, second by fragmentation, third by conidia formation, and fourth by budding. So these are the four methods of asexual reproduction in fungi. How fungi reproduce by spore. Spores are thick-walled, rounded structures that are produced in reproductive structures known as sporangia. Spores जो है ये reproductive structures होती हैं जिनको हम जो है sporangia का नाम देते हैं। इसके अंदर जो है वो grow करते हैं। Sporangia are rounded structures that are produced at the tips of some branches that are known as sporangiophore, जिस branch के ऊपर sporangia produce होते हैं उस branch को हम sporangiophore का नाम देते हैं। इसकी tip के ऊपर reproductive structures बनते हैं जिसको हम sporangia का नाम देते हैं। These are sporangia in which sporangia are the reproductive structures in which spores are produced. In sporangia के अंदर जो है spores बनते हैं। When these spores become mature, then the wall of the sporangia burst. जब ये sporangia mature हो जाते हैं तब इसकी दीवार जो है फट जाती है और फिर different sources के जरिए ये disperse होते हैं। कौन से सोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से ये डिस्पर्स होते हैं? उसमें विंड एक सोर्स है, इंसेक्ट होते हैं, रेन स्प्लैश जो है ये सोर्सेस हैं जिसकी वजह से ये स्पोर्स जो है यहां से डिस्पर्स होकर ये एयर के अंदर आ जाते हैं। व्हेन दे फाइंड अ प्रॉपर सबस्ट्रेटम, जब भी इसको कोई प्रॉपर सबस्ट्रेटम मिलेगी देन दीज स्पोर्स विल जर्मिनेट टू अ न्यू बॉडी। ये नई बॉडी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, नई फंगस जो है वो प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये तरीका होता है जिसको हम स्पोर फॉर्मेशन का नाम देते हैं। सेकंड इज द फ्रेगमेंटेशन। एज द नेम इंडिकेट फ्रेगमेंटेशन, इन दिस मेथड हाइफी ब्रेक्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, जिसमें हाइफी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेक हो जाते हैं। ये हम देखते हैं कि हाइफी हमारे पास ये ब्रेक हो जाएंगे इंटू स्मॉलर पीसेस। These smaller pieces are known as fragments. Every fragments then germinate to a new fungal body. हर fragment जो है वो नई एक fungal body के अंदर जो है वो germinate कर जाएगा, जिस process को हम fragmentation का जो है वो नाम देंगे। Third one is the conidia. Conidia formation. What are conidia? Conidia are also thick-walled, non-motile structures that are produced on some branches that are known as conidiophore. हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ब्रांच होती है। इस ब्रांच के ऊपर जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कुनीडिया प्रोड्यूस्ड होते हैं। जिस ब्रांच के ऊपर कुनीडिया बन रहे होते हैं उस ब्रांच को आप नाम देते हैं कुनीडियोफोर। दीज कुनीडिया are produced in the form of a chain.
ये एक चेन की सूरत में प्रोड्यूस होते हैं। जिस ब्रांच के ऊपर ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उस ब्रांच को हम नाम देते हैं कुनिडियोफोर। ये ब्रांच कुनिडियोफोर कहलाती है। सिमिलरली जैसे स्पोरिंजिया जिस ब्रांच के ऊपर प्रोड्यूस हो रहे थे दैट वाज कॉल्ड स्पोरिंजियोफोर, सिमिलरली द कुनिडिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ ब्रांच दैट इज नोन एज कुनिडियोफोर। दीज कुनिडिया देन डिटैच फ्रॉम द कुनिडियोफोर एंड दे जर्मिनेट इनटू अ न्यू फंगल बॉडी। ये कुनिडिया कुनिडियोफोर से अलग हो जाते हैं और एक नई फंगल बॉडी के अंदर जो है जर्मिनेट कर जाते हैं। फोर्थ प्रोसेस इज बाय बडिंग। बडिंग इज द प्रोसेस दैट इज फॉर्म्ड इन सम फंजाई लाइक यीस्ट। यीस्ट के अंदर ये पैदा होते हैं, ये बनते हैं। ये तरीका पाया जाता है, इसमें ऐसा होता है कि ये एक यीस्ट की बॉडी है, इसकी बॉडी पर एक स्मॉल आउटग्रोथ ये बनता है जिसको आप बड का नाम देते हैं। बड, ये बड ऐसा ऐसा बड़ा होता है। जब ये बड़ा होता है देन इट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, ये पेरेंट बॉडी से जो है अलहदा हो जाएगा और फिर यही बड जो है वो यहां से अलहदा होकर एक नई फंगल बॉडी के अंदर जो है प्रोड्यूस करेगा, जिस प्रोसेस को हम बडिंग का नाम देंगे। और इसकी वेल नोन एग्जांपल जो है वो हमारे पास यीस्ट, ये उसकी एग्जांपल है जिसमें ये बडिंग का प्रोसेस एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पर पाया जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट आर फाउंड इन फंजाई। नाउ वी कम टूवर्ड्स दैट हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रोड्यूस्ड इन फंजाई। What are the different methods of sexual reproduction in fungi? Sexual reproduction is takes place in fungi. However, different fungi have different methods of sexual reproduction. The common method is the fission of nuclei. इसके अंदर जो common method है वो nuclei की fission का है. However, there are two groups in fungi. These are basidiomycetes and ascomycetes. These are the two groups of fungi in which the spores are produced that are known as basidiospores and ascospores. These are the sexual spores that are produced in basidiomycetes and ascomycetes. Basidiospores are produced in basidiomycetes and ascospores are produced in ascomycetes. Both these spores are sexual spores that functions as sexual spores. So there is the method in which basidiospores and ascospores are found as sexual spores that is found in basidiomycetes and ascomycetes. Next method is the fission of the nuclei. The fission of nuclei is also found in different fungi that are zygomycetes. Zygomycetes के अंदर ये process जो है पाया जाता है जिसमें nuclei की fission होगी। कैसे होती है nuclei की fission? इसमें एक तरीका होता है जिसमें cytoplasm plus nuclei दोनों की fission होती है, जिसमें पहले cytoplasm fuse होगा बाद में न्यूक्लियाई जो है फ्यूज होंगे। ये प्रोसेस पाया जाएगा जिसमें साइटोप्लाज्म की जो फिजन होती है उसको नाम दिया जाता है प्लाज्मोगैमी, और न्यूक्लियाई की जो फिजन होती है उसको ये नाम दिया जाता है कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी, फिजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोगैमी व्हाइल दैट द फिजन ऑफ nuclei is known as karyogamy. However, there are some fungi in which there is the fission of only nuclei, जिसके अंदर सिर्फ nuclei की जो है वो fission होती है। ये कैसे होती है nuclei की fission? हम जो है इस तरफ आते हैं कि इसमें ऐसा होता है कि दो nuclei from two different strains ये क्लोज होते हैं। सपोज हम कहते हैं कि ये एक न्यूक्लियाई, ये एक न्यूक्लियाई,
दोनों जो है ये क्लोज होते हैं और ये एक हाइफा के अंदर जो है ये आ जाते हैं, जहां पे दोनों की फीयन होती है इन द सेम हाइफी, एक ही हाइफी के अंदर दोनों जो है ये न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं। ये प्रोसेस होगा जिसमें देयर इज ओनली द फीयन ऑफ न्यूक्लियाई नॉट द साइटोप्लाज्म। दैट प्रोसेस इन द इन विच द फीयन ऑफ द न्यूक्लियाई इन द सेम हाइफा टेक्स प्लेस, दैट इज नोन एज डाइकैरियोटिक हाइफी। इस हाइफी को आप जो है ये डाइकैरियोटिक हाइफी का नाम जो है वो देंगे। क्या होता है डाइकैरियोटिक हाइफी? ऐसा हाइफी जिसके अंदर टू डिफरेंट हाइफी कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज आर फ्यूज टुगेदर, जहां पे ये फ्यूज होते हैं, तो ये प्रोसेस होता है जिसमें सिर्फ न्यूक्लियाई की फ्यूजन जो है ये हो रही होती है। सो दीज आर द डिफरेंट मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सो दिस इज द होल टॉपिक इन विच वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ वी सी दैट हाउ द क्वेश्चन कैन बी राइज। द क्वेश्चन कैन बी दैट व्हाट आर स्पोर, व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, व्हाट आर कुनिडिया, व्हाट इज बडिंग। राइट डाउन द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंजाई, राइट डाउन डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंजाई, राइट नोट ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट नोट ऑन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और राइट और एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन द फंजाई। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको जो है ये आपने इस वीडियो के अंदर देखना है और कमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच।